क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160. देखो उसमें 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स दोनों को मिला के उसने पैसे दिए हैं ₹160 दिए हैं, बट हमें 1 kg ऑफ एप्पल और 1 kg ऑफ ग्रेप्स की कॉस्ट नहीं पता क्योंकि उसने दोनों कंबाइन करके पैसे कितने दिए हैं 160. तो हम पहले 1 kg की कॉस्ट को कंसिडर करते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स ₹1. तो 1 kg ऑफ एप्पल की कॉस्ट अगर एक्स तो 2 kg की कितनी होगी 2x. कैसे होगी 2x? देखो 1 kg एप्पल अगर ₹2 में आ रहे हैं तो 3 kg एप्पल कितने में आए? 3 × 2 = 6. तो आपने क्या 3 को 2 के साथ क्या किया? मल्टीप्लाई. इट मींस 2 kg एप्पल कितने के होंगे? 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स. 1 kg ऑफ ग्रेप्स 1y, तो उनको कंबाइन करके 160. आगे क्वेश्चन है, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300. बाद में कुछ समय बाद, कुछ मंथ बाद, आफ्टर ए मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ में द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, 4 kg ऑफ एप्पल मीन्स 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स मीन्स 2y, 300. ये आपके एल्जेब्रिकली इक्वेशंस हो गई. आपको इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आपको फर्स्ट पहले आप 2x प्लस 1y मीन्स y इक्वल्स टू 160 पॉइंट्स निकालिए. x y, आप फर्स्ट में x को 50 रखते हो, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो. x को अगर आपने 50 रखा, 2x प्लस y इक्वल्स टू 160 ये आपकी इक्वेशन है. इसमें आपने x की वैल्यू को 50 रखा, 50 प्लस y इक्वल्स टू 160, 50 दैट इज 100 प्लस y इक्वल्स टू 160, then y इक्वल्स टू 160 माइनस 100, y इक्वल्स टू 60. तो y की वैल्यू आपको कितनी मिली? 60 मिली. सेकेंड टाइम में आप y की वैल्यू को 70 रख दीजिए. आप कोई भी वैल्यूज रखिए, 60, 70, 80. 2x प्लस 70 इक्वल्स टू 160, y की वैल्यू को 70 रखा है. देन 2x इक्वल्स टू 160 माइनस 70, then 2x equals to 160 minus 70, that is 90. Then x equals to 90 upon 2 is 45. So value kya mili aapko? 45. First complete ho gaya. Main start karti hu second equation ko. Second equation 4x plus 2y equals to 300. फर्स्ट पॉइंट, आप x की वैल्यू को 50 रख दीजिए, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300, देन 4, 50 प्लस 2y इक्वल्स टू 300, 4 इंटू 50, 200 प्लस 2y इक्वल्स टू 300, देन 2y इक्वल्स टू 300 माइनस 200, then 2y equals to 100, then y equals to 100 upon 2, that is 50. y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू आपने रख दी 50. अब नेक्स्ट आप y की वैल्यू को रखिए 40, x की वैल्यू को 40 रख दीजिए, कोई बात नहीं. x की वैल्यू को अगर 40 रखोगे तो 4x plus 2y equals to 300, 40 प्लस 2y इक्वल्स टू 300, 160 प्लस 2y इक्वल्स टू 300, देन 2y इक्वल्स टू 300 माइनस 160. 300 माइनस 160 मींस 240. देखिए 300 माइनस 160 मींस 140, नॉट 240.
देन वाई इक्वल्स टू 140 अपॉन टू 70, y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 70। इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको पहले ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिएगा। तो आप नंबर्स देखिए 50, 60, 45, 70, 50, 50, आपको मतलब 10-10 का गैप लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60। देखो फर्स्ट पॉइंट इज 50-60, मींस 50 एक्स एक्सिस पे और 60 वाई एक्सिस पे। 50-60 यहाँ पे 50 और यहाँ पे क्या है 60, मींस ये पॉइंट क्या होगा आपका 50-60। नेक्स्ट इज 45-70। 45 मींस 40 और 50 के बीच में आएगा, यहाँ पे है 45 सब और 70 है यहाँ पे। This point is 45-70. Straight line draw कीजिए। और उसके ऊपर इक्वेशन लिखिए, कौन सी इक्वेशन के लिए आपने लाइन ड्रॉ की है। 2x plus y equals to 160। Next second 50-50। 50. Next is 47. This point is 40 and 70. आप लाइन ड्रॉ करोगे, इसको ड्रॉ कीजिए यहां से भी स्ट्रेट लाइन, और इसके ऊपर लिखिए आप कौन सी इक्वेशन है। 4x plus 2y equals to 3। आप देखोगे कि दोनों लाइन जो आपके ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो दोनों लाइन आपको पैरेलल लाइंस दिखेंगी। थैंक यू।